Good morning, student. In the second lecture of bridge course of subject chemistry, we are going to start to understand the chemical bond. In previous lecture, we study about the periodic table, the properties of periodic table. Now we are going to study about the chemical bond. So in this lecture, we understand ये जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके या मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं या केमिकल बॉन्डिंग क्यों मिलती है. तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम के बीच में, ठीक है, जो कि क्या करता है, एटम्स को मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स. जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एटम्स कंबाइन होते हैं हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, अब केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन क्यों होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो हमने पढ़ा था कि टू अक्वायर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट रूल फॉलो करके ही कोई एटम किस में कन्वर्ट हो सकता है, स्टेबल या इनर्ट फॉर्म को अक्वायर कर सकता है. तो टू गेट द स्टेबिलिटी एटम्स आर कंबाइंड विद द बॉन्ड दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और सच काइंड ऑफ फॉर्मेशन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग. बॉन्ड बहुत तरीके के होते हैं, बेसिकली आर कैटेगराइज बिटवीन द आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. टू अंडरस्टैंड द व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एटम्स फ्रॉम केमिकल बॉन्ड्स in order to make their outer electron shells more stable, you need to get the stability molecule ya atom ka jo electrons hai uske shell hai usko stability provide karne ke liye chemicals jo hain wo bond formation karte hain. This type of chemical bond maximize the stability of the atom that form it. Stability badh jati hai aapke atom ki, covalent bonds form when sharing atoms result in the highest stability. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो बॉन्ड शेयरिंग होती है, दे आर द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. आइदर देयर इज आयनिक कंपाउंड, एज यू नो दैट वो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब बात करते हैं हम लुईस स्ट्रक्चर की. लुईस स्ट्रक्चर इज द डॉट रिप्रेजेंटेशन. डॉट रिप्रेजेंटेशन आप कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस टेबल को देखिए, ये हमारे पास एटम है और ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11. तो अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दे विल 2, 8 एंड 1. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 3s1. तो आउटर मोस्ट में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही लुईस सिंबल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर में सोडियम के बाहर हमने बनाया हुआ 1 डॉट, इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ अगर हम आए तो कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4. तो हमने ब्लू डॉट से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया हुआ है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है. अब हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करना है तो उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए. सेम प्रोसीजर, कार्बन को स्टेबिलिटी गेन करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए. तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके यहाँ बॉन्ड बनाता है, ये यहाँ बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, ये यहाँ बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है और ये यहाँ बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है. और ये कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से 1-1 बॉन्ड की शेयरिंग कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और क्या होता है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच. अब आते हैं यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम,
यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 3s2। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसी तरीके से सोडियम 11, 12, 13 ये इस तरीके से कॉन्फिगरेशन बढ़ता चला जा रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे लुईस सिंबल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे। तो अगर आप ऑर्गन देखें तो 6 और 2 8, 3s2 3p6 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया और ऑर्गन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या करता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और आप ऐसे एलिमेंट्स को इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि आर्गन एक गैस है तो इट इज नोन एज इनर्ट गैस। तो लुईस सिंबल इज द इलस्ट्रेटिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पैरियोडिक टेबल, या फिर आप कह सकते हैं लुईस सिंबल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम द एटम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का कॉन्फिगरेशन आ रहा है 3s1, ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट रिक्वायर्ड अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरेटिवली टू लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, बिकॉज द डोनर इज द ग्रेटर, दैट्स व्हाई दे गेन अ पॉजिटिव चार्ज। सेम थिंग इज कैल्शियम, कैल्शियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट करके कैल्शियम पे +2 चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ये लुईस सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाया आयनिक बॉन्ड का, तो सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 8 और 7 के बाद। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 2 4 6 7। तो नॉन मेटल क्लोरीन को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन गेन करने में, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है, सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है बाय डोनेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे मेड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो डेफिनेशन इज फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज टू गेन अ स्टेबिलिटी, टू अक्वायर द स्टेबिलिटी दे मेक द आयनिक कंपाउंड। तो ये हुआ NaCl, सेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंपाउंड फॉर्मेशन। चूज द कंपाउंड कंटेनिंग द आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीशियम क्लोराइड CH4 CaO HCl NH4 प्लस O3। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द फॉलोइंग व्हिच डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। थैंक यू क्लास।